जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है हमारे कंट्री के अंदर। मेनली अगर हम आपसे कहें कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये सीखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े 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 हुए कौन कौन से स्कीम्स हैं जो कि इंडिया के अंदर में ऑपरेट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्कीम के साथ में, विच इज मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम कौन से साल में आई थी? 2014 नहीं होता है, 2014 होगा या फिर 2014। तो ये आया इन द ईयर 2014। ठीक है, जिस साल मोदी गवर्नमेंट आई थी उसी साल उनकी ऑलमोस्ट पहली स्कीम्स में से था मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर में ये क्या करते थे कि अलग अलग देशों में उस समय ट्रैवल कर रहे थे और कहते थे कि भाई इंडिया के अंदर में आइए और यहाँ पे प्रोडक्शन करिए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन को बढ़ाना, FDI को इन्वाइट करना यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर। तो इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2014, सितंबर 2014, और इसका एम था इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना। कुछ की एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना था। 25 की एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड टू वर्क अपॉन इन दिस स्कीम, और इसके तहत बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज की FDI की लिमिट को बढ़ा दिया गया। यानी FDI की अपनी एक लिमिट होती है कि जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि FDI की लिमिट 25% है, यानी अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो उसके अंदर में 25% से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना हो। जैसे आज के समय में बैंक्स में आपका ऑलमोस्ट 100% FDI अलाउड है, बट पहले ये चीजें अलाउड नहीं थी। पहले ये 24% था, 49% हुआ, फिर उसके बाद और बढ़ा, लेकिन अब फिर ये अलाउड है। तो हम लोग क्या चाहते थे कि जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, लेकिन अब उसको एक्सपैंड करने के लिए इस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम। अगला स्कीम है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या था? ये एक स्कीम था अगेन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। इसके तहत समझना ध्यान से, अधिकतर स्कीम्स लोन देने की स्कीम्स है। ये लोन देने की स्कीम है कि आप प्रोडक्शन करो आपको लोन दिया जाएगा, आप प्रोडक्शन करो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। लोन देना, सब्सिडी देना, फाइनेंशियल हेल्प देना, इन सब चीजों से ज्यादा जुड़ी हुई है स्कीम। तो अगला स्कीम है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें दो स्पेसिफिक सेक्टर्स को या दो स्पेसिफिक सेक्शंस को टारगेट किया जाता था, एक वुमेन और दूसरा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट। अब आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि इसमें था क्या या इसमें है क्या अभी भी ये स्कीम है। इसमें क्या है कि आपको किसी एक बैंक से अगर लोन लेना है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC या ST को प्रमोट किया जाता है कि आप अपनी एक एंटरप्राइज को सेटअप करो, और उनको वो सेटअप करने के लिए 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बाकी नॉर्मल लोन के मुकाबले काफी कम होगा। उनको मॉर्गेज वगैरह यानी गिरवी जो चीजें रखनी होती है वो कम रखनी पड़ेगी। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन, इन दो सेक्शंस के लिए है, और 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बाकी नॉर्मल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले कम होता है। समझ गए यहां तक की बात? अच्छा, इसको और कैसे करके लागू किया गया? एक्चुअली एक मैंडेट या हम कह सकते हैं एक मैंडेटरी कर दिया गया ये चीज कि हर एक बैंक को और उसकी हर एक ब्रांच को एक पर्सन को यानी एक वुमेन या SC ST को लोन देना ही होगा। ठीक है, तो एक वुमेन या SC ST को इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक्स ना बहुत ईगर रहती थी कि इस स्कीम के तहत हम किसी को लोन दें, लेकिन इसमें बहुत पुराने या फिर जो ऑलरेडी सेटअप या पुराने बिजनेसमैन है उनको नहीं, जो नए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन देने के लिए था। अच्छा, नए का मतलब ये भी नहीं कि एकदम तुम नया बिजनेस ओपन किए
या बिजनेस अभी ओपन भी नहीं हुआ एकदम सेटअप करने के लिए जाना है। बेसिकली जो थोड़े पुराने हो जाते हैं बिजनेसेस, साल डेढ़ साल, वो भी फिर भी नए हैं ना, तो वो फिर जाते हैं बैंक के पास अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और फिर उनको बैंक लोन देता है। इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट फैसिलिटेट्स लोन बिटवीन क्या एंड क्या अमाउंट बताओ? 10 लाख to 1 crore टू एटलीस्ट वन वुमेन एंड एससी या एसटी पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। डू यू नो व्हाट इज ग्रीन फील्ड? अच्छा, हमने लिख ही दिया है, इट इज अ न्यू एंटरप्राइज। पुरानी एंटरप्राइजेस को क्या कहते हैं पता है? ब्राउन फील्ड या ब्राउन, यानी जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, हाँ वो सूख गया है, ठीक है, और ये भी नया नवेला है, हरा भरा है। तो इट इज अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, अ न्यू एंटरप्राइज। द एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस अगर हैं, यानी अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी के अंदर में मेजॉरिटी हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए? वुमेन या एससी एसटी की। तो एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग, 50% ज्यादा नहीं, इन्होंने कहा एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ या द वुमेन या फिर एससी एसटी। क्या एलिजिबिलिटी है मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, सॉरी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंडर में कोई भी एससी एसटी या वुमेन जिसने 18 साल की एज ऑब्टेन कर लिया हो वो एलिजिबल है। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस एलिजिबल है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओनली। तो एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिया हो एंड फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओनली। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो 51% शुड बी हेल्ड बाय आइदर एससी एसटी या वुमेन, और जो बोरोवर है वो किसी भी बैंक से डिफॉल्ट न किया हो। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बोलो समझ में आई क्या बात? क्या यहां तक की बातें क्लियर है? सर कितने रुपए तक का लोन मिलता है? मैंने आपको बताया 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का कंपोजिट लोन होता है। जानते हैं आप कंपोजिट लोन क्या होता है? आजकल अगर बैंक आपको लोन देती है तो बहुत बार ऐसा किया जाता है, जैसे मान लो आपको 10 लाख का लोन चाहिए, तो आपसे पूछा जाएगा 10 लाख का लोन किस लिए चाहिए? तो आप कहेंगे कि मुझे 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी है, और हमको 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में चाहिए, यानी उससे हम स्टॉक खरीदने बेचने का काम करते रहेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले एक पर्सन था, उसने लोन लिया, ठीक है, उसने हमसे हेल्प लिया, तो उसके अंदर में कुछ अपने फाइनेंशियल्स के लिए, तो हमको मालूम है उसने लोन लिया। अब मान लो अगर उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया, छोटा लोन लिया, तो ऐसा नहीं होता है कि बैंक उसको 5 लाख रुपए टर्म लोन के फॉर्म में देगा। टर्म लोन मतलब 3 साल का लोन, 4 साल का लोन। बैंक क्या करता है, उसमें 3 लाख रुपए उसको टर्म लोन के फॉर्म में दे देगा और 2 लाख रुपए उसको सीसी या ओडी के फॉर्म में दे दिया जाएगा, यानी वो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब जरूरत है वो निकाल देगा, जब आ जाएगा तो फिर उस पैसे को वापस जमा करा देगा। तो उसे कहते हैं कंपोजिट लोन, थोड़ा सा सीसीओडी यानी थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के लिए, और थोड़ा सा टर्म लोन यानी फिक्स कैपिटल के लिए। समझ रहे हो बात को? तो बांट दिया जाता है, थोड़ा टर्म लोन के फॉर्म में और थोड़ा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म। साइज ऑफ लोन, आपका जितना प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, बैंक वाला पूछेगा कितने पैसे लग रहे हैं बिजनेस में, आप कहेंगे सर 50 लाख रुपए, फिर उसके बाद वो पूछेगा आपको कितने पैसे चाहिए, आप कहेंगे सर 50 लाख रुपए, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। पूरा का पूरा खिलवाड़ आप बैंक के पैसे से नहीं कर सकते, कम से कम बैंक ने कहा कि 75% मैक्सिमम हम लगाएंगे, बाकी 25% तो आपको अपना लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट उस बैंक में जो भी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट होगा आपकी कैटेगरी के लिए, आपकी कैटेगरी के लिए मतलब कि आप जिस रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, हर किसी का अपना रिस्क कैटेगरी होता है ना। जैसे मान लीजिए इनका सिबिल स्कोर बहुत कम है, ठीक है, तो इनका रिस्क कैटेगरी अलग हो जाएगा। तो इनकी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से जो भी एक लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो इनको ऑफर किया जाएगा। इट शुड नॉट एक्सीड MCLR +3% +10 प्रीमियम। ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट होता है। इसके अंदर में क्या होता है, MCLR रेट एक तरीके का एक लोएस्ट रेट हो जाता है जिसके अंदर में RBI लेंडिंग कर रहा है। तो ये MCLR +3% से ज्यादा नहीं हो सकता। +10 प्रीमियम का मतलब होता है आप जितने लंबे समय के लिए लेते हैं उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है।
तो टेनो प्रीमियम भी इसके अंदर में अप्लाई करता है। खैर ये बहुत ओवर डिटेलिंग है, आपको बहुत ज्यादा इस पे जाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लेंगे, इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग ये भी याद रख सकते हैं। लेकिन याद ये रखिए कि हाँ जो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमको ऑफर किया जाएगा। क्या सर इसके लिए हमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर गिरवी रखने के लिए इतना पैसा हमारे पास होता ही तो हमको हो सकता है बैंक से लोन ही ना लेना पड़ता। तो कई बार लोगों को लोन लेना होता है लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। आमतौर पर बैंक कहता है कि अगर कुछ लोन लेने जा रहे हो तो गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस स्कीम के तहत अगर लोन लेने जा रहे हैं, कौन सी स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपसे गारंटी नहीं लेगा। आपकी तरफ से गारंटी कौन देगा? सुनना ध्यान से, आपकी तरफ से गारंटी देगा CGFSIL। बोले क्या है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फंड बना दिया और बैंकों से कहा कि तुम लोग निश्चिंत होकर का पैसा बांटो। गवर्नमेंट ने एक फंड बना दिया और बैंकों से कहा तुम लोग निश्चिंत होकर के पैसा बांटो। मान लो 10 बैंकों ने अगर पैसा बांटा तो 10 के 10 तो डिफॉल्ट करेंगे नहीं, कोई एक कर जाएगा। तो ये फंड की गारंटी है, एक फंड बना दिया मैंने, उसमें 10 करोड़ रुपए रख दिया, इस फंड की गारंटी है कि तुम लोग का पैसा नहीं डूबेगा। अगर पैसा डूबे तो हमसे ले लेना, लेकिन तुम वुमेन को, सॉरी वुमेन को, SC ST को, उनको लोन बांटो। ठीक है, रिपेमेंट, रिपेमेंट जो करना होगा वो 18 महीना, सॉरी 7 साल तक का हो सकता है, यानी 7 साल तक का टेन्योर हो सकता है, और इसमें 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड, मॉरेटोरियम पीरियड मतलब एक्सटेंशन पीरियड 18 महीने का दिया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, ठीक है, और बाकी का जो होता है वो कैश क्रेडिट के फॉर्म में दिया जाता है। और मार्जिन मनी कितनी रखनी पड़ती है? 25%। मार्जिन मनी मतलब आपको अपना कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 25%। अच्छा, ये 25% के अंदर में भी 15% तक, सुनो मेरी बात, इस 25% में भी 15% तक तुम किसी और से बोरो कर सकते हो, किसी बैंक से बोरो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10% तो अपना मिलाओ। हम तुम्हारे पास आए, तुमने कहा कि तुम बैंक हो, मान लो तुमने कहा कि 1 करोड़ रुपए का अगर आपका प्रोजेक्ट है 75 लाख रुपए हम देंगे, बाकी 25 लाख अपने पास से मिलाइए। हमने कहा 25 लाख नहीं दे रहे हो, अच्छी बात है, हम 25 लाख किसी और से बोरो कर लिए, ठीक है। तो बैंक कहते हैं नहीं, कम से कम 10% तो अपना लगाना ही है, हम आपको 75% से ज्यादा नहीं देंगे, 75% से ज्यादा नहीं देंगे, और कम से कम 10% तो आपको अपना लगाना ही। दिस इज कौन सा स्कीम? दिस इज योर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। किनको किनको दिया जाता है? वोमेन SC ST। कौन मैनेज करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने रुपए तक का लोन मिलता है? 10 लाख से 1 करोड़। अगर नॉन इंडिविजुअल है तो मिनिमम 51% वुमेन या SC ST के पास होना चाहिए। किसको मिलता है? फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ओनली, और बोरोवर का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपोजिट लोन के फॉर्म में मिलेगा, मैक्सिमम कितना तक मिलेगा? 75%। अच्छा, मिनिमम बोरोवर को कितना लगाना होगा? 10%, ठीक है। बाकी का मार्जिन मनी कितना हो गया? 25%। इंटरेस्ट रेट लोएस्ट रहेगा। सिक्योरिटी कहां से दिया जाता है? सिक्योरिटी कहां से होती है? CGFSIL। CG माने क्रेडिट गारंटी, FSIL माने फंड्स फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स। क्या यहां तक की बातें क्लियर है आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में? क्या यहां तक की बातें क्लियर है आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में? ठीक है, अगला है आपका स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का क्या एम होता है? ये एम करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें और वेल्थ क्रिएशन।
देखिए, सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें। उससे उसका क्या फायदा होगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे और वेल्थ क्रिएशन करेंगे हमारे देश के अंदर में। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसे इंटरप्राइजेस को और ज्यादा इंकरेज करें जो कोई नया इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं। हर किसी को स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। जैसे मान लीजिए आज इन्होंने अपनी राशन की दुकान खोली, ठीक है, तो क्या आपकी राशन की दुकान, एक नई नवेली राशन की दुकान को स्टार्टअप का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं दे सकता? उसमें आप 5 लोगों को नौकरी पे भी रख रही हैं, क्या क्या ये कह करके कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं आपको स्टार्टअप का एक दर्जा दिया जा सकता है? नहीं। अगर आप कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस दें और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वेल्थ जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वेल्थ जनरेशन हो, तो फिर उसको स्टार्टअप का दर्जा दिया जा सकता है। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 16 जनवरी 2016। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक स्टार्टअप को? एक स्टार्टअप को 80% ऑफ द पेटेंट कॉस्ट का रिबेट मिल जाता है। जैसे स्टार्टअप आया है तो कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया है और वो उस नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराना चाहता है कि नहीं? वो उसको क्या कराना चाहेंगे, पेटेंट कराना चाहेंगे। तो पेटेंट में कई बार जो उसकी लीगल फीस होती है और जो उसकी गवर्नमेंट को दिए जाने वाली फीस होती है, वो सब बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत आपको 80% तक का रिबेट मिल सकता है इन योर पेटेंट कॉस्ट। फिर इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। इनकम टैक्स के बेनिफिट में 3 साल तक का आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एग्जेम्पशन मिलता है, यानी आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फॉर 3 ईयर्स। अब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हमको 3 साल तक इनकम टैक्स ना पे करना पड़े तो इट इज अ वेरी ह्यूज बेनिफिट। फॉर दिस दे मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये सवाल कई बार पूछा गया है, आपसे ये सवाल कई बार पूछा गया है कि अगर आपको एक स्टार्टअप का दर्जा लेना है तो उसके लिए किससे हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? तो इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं? रजिस्ट्रेशन से आपको ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यहां पे कहा गया स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या बेनिफिट होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनका काफी सिंपल है। पहले एक स्टार्टअप के लिए आपको तरह तरह की मीटिंग्स करनी पड़ती थी, बाकी सारी चीजें होती थी, ठीक है, और अब क्या कर दिया गया है कि अब ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो टाइम गैप है, उसको कम कर दिया गया है। आप अपने आप को रजिस्टर कराइए एज अ स्टार्टअप, ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके बाद जाकर के आपको फाइनली अप्रूवल लेना होता है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड से, और वहां से एक अप्रूवल मिल जाने के बाद आप स्टार्टअप के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्टअप के फायदे क्या हैं? देयर इज ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। जैसे होता क्या है, सुनना मेरी बात, अभी कुछ समय पहले, यानी कुछ महीने हो गए होंगे बस, तो हम लोगों ने एक सेमिनार कंडक्ट किया था। इट वॉज इन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। आप लोगों ने कभी देखा है, बीएचयू के अंदर में देर इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार था। बीएचयू के अंदर में वो पूरा का पूरा सेंटर इस पर्पज से डिजाइन किया गया है कि वहां पे स्टार्टअप्स को और ज्यादा इंकरेज किया जाएगा। तो वहां पे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स थे जो कि तरह तरह के स्टार्टअप्स, यानी नए नए बिजनेसेस के ऊपर में काम कर रहे थे। तो नए बिजनेसेस को सेटअप करना और उनको रन करना, ये इनकरेज किया जाता है इन सेमिनार्स के थ्रू, या उन हम कह सकते हैं मीटिंग के थ्रू, अलग अलग सेशन होते रहते हैं। तो वो जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर, वहां पे एग्जीबिशन लगता रहेगा। अब उस एग्जीबिशन के अंदर में मान लो हमने एक प्रोडक्ट अपना शोकेस किया, आप एक बिजनेसमैन हो, आप आओगे, हो सकता है आपको वो अच्छा लगे, आप हमें ऑर्डर दो या आप हमें फंडिंग दो, आप हमारे साथ में बिजनेस में जुड़ो। तो ऐसे बहुत ढेर सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आपको ये सारे मौके मिलेंगे। आप अलग अलग कन्वेंशंस में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करो, अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मीटिंग कराती है स्टार्टअप्स के लिए, एक नहीं बहुत ढेर सारे होते हैं, एक तो कराती ही है। तो देर आर ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अ मीटिंग
ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, टू स्टार्टअप फेस्ट आर कंडक्टेड एनुअली एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप कैन बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक स्टार्टअप रजिस्टर करनी है तो इनमें से किसी एक फॉर्म में ही रजिस्टर होगा, या तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, या तो LLP हो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. कौन कौन अलाउड नहीं है, कौन कौन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड के अंदर में पब्लिक कंपनियां इसके लिए अलाउड नहीं है. पब्लिक कंपनी इसको रजिस्टर नहीं कर सकता. सर और कौन नहीं रजिस्टर कर सकता? प्रोप्राइटरशिप इसको रजिस्टर नहीं कर सकता. मतलब इट हैज टू बी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या तो फिर पार्टनरशिप, या तो फिर LLP. समझ गए बात को? कम ऑन इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, आया क्या बात समझ में? यहां तक बात समझ गए? नेक्स्ट क्या है बताइए? स्किल इंडिया. प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर? स्पाइस फॉर्म स्पेसिफिकली कंपनीज बनाने के लिए. ये कंपनी के ही फॉर्म में बनता है ना. अगर कंपनी है तभी बनेगा, प्रोप्राइटरशिप है तो आप स्टार्टअप बन ही नहीं सकते. समझ में आई बात? प्रोप्राइटर आप कह रही हैं कि लेटर ऑन कंपनी बन जाता है, हम कह रहे हैं कि स्टार्टअप है तो वो कंपनी होगा ही जिंदगी. हाँ स्पाइस प्लस से, तो स्पाइस प्लस से वो कंपनी बनाएंगे पहले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और फिर वो स्टार्टअप होने के लिए अप्लाई करेंगे. स्किल इंडिया स्कीम क्या है? अच्छा आप लोगों ने कभी इसका कहीं ना कहीं बोर्ड जरूर से देखा होगा, इसका बोर्ड कहीं ना कहीं जरूर से देखा होगा. जैसे हमारे यहां पर भी एक वो है, आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है. तो आप लोगों ने स्किल इंडिया स्कीम के तहत में जो बहुत ढेर सारे आपके स्किल डेवलपमेंट, I am just forgetting the name. आपका ITI वगैरह, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ओपन होते हैं, आप लोगों ने ITI यहाँ पे सुना होगा. तो बहुत ढेर सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के यूनिट्स हैं जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं. RTO ऑफिस यहाँ का देखा है आपने. तो बेसिकली है क्या कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को सरकार प्रमोट करना चाहती थी, स्किल को प्रमोट करना चाहती थी. तो उसके लिए क्या किया गया, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, स्किल इंडिया. अब स्किल इंडिया स्कीम के तहत क्या होता है ये समझना, बिकॉज आप इसको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करोगे. तो क्या होता है कि ये पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं. किसको अपॉइंट करते हैं? पार्टनर्स को अपॉइंट करते हैं. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था NSDC. NSDC का पूरा नाम हुआ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. क्या नाम रखा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. अब ये क्या करते हैं, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को लॉन्च करते हैं. अब जैसे हम मान लो NSDC है, तो हम अलग अलग पार्टनर्स को चुनेंगे. जैसे मान लो आपकी एक इंस्टीट्यूट है, या आप एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो, तो आप एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर एक ओपन करोगे अपना, और उस स्किल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में आप कहोगे कि मैं सरकार द्वारा ये वाला दिया गया कोर्स चला रहा हूं अपने यहाँ पे. मान लो आप सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स आप अपने यहाँ पे चला रहे हो, तो आपके यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे आएंगे सीखने के लिए. उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका पैसा आप बच्चों से चार्ज नहीं करेंगे, उनका पैसा आपको कौन देगा? सरकार देगी. तो ये गवर्नमेंट की रन स्कीम है जिसके अंदर में नाम क्या है स्कीम का? स्किल इंडिया. और ये कौन चलाता है? NSDC. NSDC का पूरा नाम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. वो क्या करेगा, अलग अलग ट्रेनिंग पार्टनर्स को चुनता है, और वो ट्रेनिंग पार्टनर्स अपने यहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को चलाते हैं, और उसका पैसा आपको सरकार देती है. इनफैक्ट यही नहीं, उनको सीखने के लिए भी, उनको ट्रेनिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है. यानी अगर आप आ रहे हैं सीख रहे हैं तो उसके बदले भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है. तो एक बहुत बड़ी भीड़ आती है कई जगहों पर, खास करके ये शहरों के आउटस्कर्ट्स में भी, बहुत सी बार शहरों के अंदर में भी ये स्कीमें बहुत ज़्यादा चलती हैं, और यहाँ पे भर भर के लोग जाते हैं और सीखते हैं. तो इट इज मैनेज्ड बाय हूम? इट इज मैनेज्ड बाय
एनएसडीसी ऑफ इंडिया। एनएसडीसी के बारे में आपको जानकारी दिया गया कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और अब जो है वो है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इस सेक्शन के अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया गया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये चलती है। क्या चलता है? एनएसडीसी। एनएसडीसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया था, यानी इसके अंदर में जो गवर्नमेंट है वो भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो मिनिस्ट्री का नाम क्या है, गवर्नमेंट सबसे ऊपर कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर क्या, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसने अपने अंडर ये कॉरपोरेशन या फिर ये कंपनी खोली जिसका नाम क्या, एनएसडीसी। वापस से सबसे ऊपर कौन, और गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उसने अपने अंडर में ये एनएसडीसी ओपन किया। इसका मेन काम क्या है, प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को बिल्डअप करना, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपार्ट करते हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ओपन करना, ये किसका काम था, एनएसडीसी का। बोली समझ गए इस बात को। वॉट आर द स्कीम्स या इनिशिएटिव अंडर स्किल इंडिया मिशन, क्या स्कीम्स हैं या क्या इनिशिएटिव हैं इस मिशन के अंडर। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिन जो कि चलते हैं अंडर स्किल इंडिया मिशन। आपने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक तरीके से इसको कहा जाता है, तो इनके बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम से आपने सुना होगा, इसको सुना है क्या, PMKVY, कहीं ना कहीं आपने इसका सेंटर देखा होगा, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पर इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग भी एक है और टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तीन स्कीम्स हैं किसके अंडर, किसके अंडर, स्किल इंडिया मिशन के अंडर। अब देखिए एक एक करके आपको इनके बारे में जानकारी दिया गया। सबसे पहले किसके बारे में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, इसके थ्रू ये जो मिनिस्ट्री है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेसिकली चाहता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेशनल मैंडल नहीं मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए जाए जो कि बाकी लोगों को भी एक एग्जाम्पल सेटअप करे कि हाँ ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए या इस तरीके से काम होना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इनको सेटअप किया जाता है। तो मान लो अगर आपको एक कौशल केंद्र सेटअप करना है तो आप क्या करोगे, आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई करोगे कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बैठाना है, तो गवर्नमेंट आपको उसमें सब्सिडी देगा। यानी अगर मान लो आप कुछ पैसा लगा रहे हैं तो सरकार उसमें आपको पैसे की मदद भी करेगा, सब्सिडी भी देगा। समझ गए बात। तो एनएसडीसी इज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, इसमें 75% तक की फंडिंग कौन करेगा, एनएसडीसी। तो एनएसडीसी क्या करेगा, आपके लिए ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगा, ट्रेनिंग का एड देगा, सिविल वर्क मतलब मान लो अगर जैसे टेबल चेयर बनवाना, बाइफर्केशन क्रिएट करना, ये सारे के सारे काम भी कौन करके देगा, एनएसडीसी। और हर एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को 3 साल तक का मैंडेट मिलता है, यानी 3 साल तक उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है। उसके बाद वापस से अगर उसका लाइसेंस रिन्यू हो गया तो वापस से वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन 3 साल तक का उसको प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का एक लाइसेंस मिलता है और उसके लिए उसको हेल्प करता है कौन, सरकार। अच्छा अगला कौन सा था, इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, और एक और कौन सा था, TITP, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग के अंदर में बेसिकली जैसे मान लो क्या होगा कि आप कहीं विदेश जाना चाहते हो, इंडिया से भी बहुत से लोग विदेश जाते हैं, इंडिया से भी बहुत से लोग विदेश जाते हैं कि नहीं, ठीक है।
अब मान लो अगर आप यहां से सऊदी अरेबिया माइग्रेट करना चाहते हो तो वहां की लैंग्वेज अलग, ठीक है, खुश हो गए, फुलोद इज ऑलरेडी हैप्पी, यस सर, आई विल, व्हाट टू डू नाउ, देखिए, हाँ आप वहीं से, अरे वाह, ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल खुलद वापस से वहीं पे शिफ्ट होना चाहती है, ठीक है, टू सऊदी अरेबिया, लेकिन आपको वहां की भाषा और सारी चीजें पता है, हाँ पता है, वेरी गुड, तो क्या क्या कहते हैं वहां पे, जैसे एनी एनी वर्ड ओवर देयर, एनीथिंग, जैसे वहां पे हेलो को क्या कहते हैं, हेलो को क्या कहते हैं, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वो तो हम लोग नॉर्मली सलाम में कहते हैं, ओके, सो एनीवेज, ओके ओके, तो मान लीजिए अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको वहां का कल्चर मालूम होना चाहिए, आपको वहां का रिचुअल्स मालूम होने चाहिए हर एक जगह के, तो देयर हैज टू बी अ ट्रेनिंग बिहाइंड इट ना, आपको एक ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा, ठीक है, सो वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, एक दिन की ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी हो सकती है, जिसमें आपको थोड़े बहुत लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा, कल्चरल वहां पे क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, तो हर एक आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, ताकि अगर आप किसी दूसरे देश में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, इसे कहते हैं एक इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, अच्छा आपको ऐसे स्किल्स भी सिखाए जाएंगे जिससे कि आप किसी दूसरे देश में अगर माइग्रेट हो रहे हो तो आपको परेशानियां ना हो, बेसिकली इस स्कीम का नाम है पी डॉट, बोले क्या नाम है, विच इज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, बोले पूरा नाम क्या है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, दिस प्रोग्राम इज लॉन्च टू ओरिएंट पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स विद रिगार्ड टू लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज होगी, क्या कल्चर होगा, क्या डूज एंड डोंट्स होंगे ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री, इमिग्रेशन एंड वेलफेयर प्रोसेस, इट इज लॉन्च्ड बाय हुम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो बेसिक पर्पस हमारा यही था, एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत पढ़े लिखे लोगों के साथ में नहीं आती है, लेकिन जो दिक्कत बहुत से यहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो कि मान लो यूरोपियन कंट्रीज या जो आपके अरब कंट्रीज हो गए, इन सब जगहों पे जो बहुत से वर्कर्स माइग्रेट करते हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो फिर वो हो सकता है वहां पे जाकर के प्रॉब्लम फेस करे, तो ये प्रॉब्लम वो ना फेस करें इसलिए इनके पहले एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही जाकर के उनको अलाउ किया जाता है कि तुम दूसरे किसी देश में जाओ, समझ गए, ट्रेनिंग के अंदर में आपको ये सिखाया जाएगा कि बेसिक लैंग्वेज वहां की क्या है, क्या क्या चीजें आपको बोलना है, क्या डूज एंड डोंट्स है, ठीक है, कैसे आप वहां के ट्रैफिक रूल्स के बारे में बेसिकली जान लीजिए, बेसिक लैंग्वेज जान लीजिए, यही सब कल्चर के बारे में जान लीजिए, ठीक है, अलग अलग जगहों का अलग अलग कल्चर होता है, तो इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाए, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है कि सुनना ध्यान से, इसमें अगेन हमारे यहाँ के जो ट्रेनीज होंगे या हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भेजा जाएगा विदेश, कि तुम जाओ और वहां पे जा करके उनके टेक्नोलॉजी को सीखो, उनके कल्चर को सीखो, इसे कहते हैं टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हम लोग स्पेसिफिकली किनके साथ में मिलकर के रन करते हैं, ध्यान से देखना, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 3 to 5 years इन जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये हमारी मिनिस्ट्री जो स्किल डेवलपमेंट की है, जो जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान हैव टुगेदर साइंड द मेमोरेंडम फॉर TIPP, यानी ये साथ में मिलकर के स्कीम को रन करते हैं, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री और जापान की मिनिस्ट्री साथ में मिलकर के इसको रन करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाता है ताकि आप उनके कल्चर उनकी टेक्नोलॉजी को सीख सके, ठीक है, बाकी आपको समझाया गया है लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं,
लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बॉटलनेक, यानी हमारे यहाँ पे कुछ बॉटलनेक्स हैं। बॉटलनेक्स का मतलब समझते हो? कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ रुकावटें हैं जिनके कारण हमारा जो कल्चर है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, बहुत तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो कौन से कल्चर्स हैं या कौन सी दिक्कतें हैं? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी लेस। द इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन वेरी स्लो। द की रीजन फॉर स्लो ग्रोथ एंड फॉर पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फाइनेंसिंग एंड रेगुलेशन। तो बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ सेंटेंस में, आई थिंक कोई दिक्कत है। तो बेसिकली इतना दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे फाइनेंसिंग इज नॉट वेरी इजिली अवेलेबल। जो अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए वो बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है। इंडिया इज अ नेशन जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फंड्स की कमी है। तो इन फंड्स की कमी के कारण दिक्कत होती है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इम्पेरेटिव फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेक इन इंडिया। तो इन 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 डीमेरिट्स या इन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? जैसे मान लो आज के समय में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो वो कौन से मॉडल में बन रहे हैं? रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? रोड्स खास करके पीपीपी मॉडल में बन रहे हैं। तो पीपीपी मॉडल में क्या होता है आपको पता है? हाँ, तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहेंगे आप लोग? जैसे मान लो रोड्स बन रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे वो? बेसिक होता ये है कि आप बनाओ सड़क, हमसे टेंडर पास करवा करके आप बनाओ सड़क, उसके बाद आप वहां से टोल इकट्ठा करते रहना। अधिकतर जो हाईवेज बन रहे हैं उसी मॉडल पे तो बन रहे हैं। आपको टोल कलेक्शन का हम राइट दे देंगे, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आप टोल लेना। तो सड़क बनाओ, टोल लो। हाँ, टोल कलेक्शन का प्राइस ऑब्वियसली फिक्स किया जाएगा, लेकिन टोल कलेक्ट करने का पावर आपको दे दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड इन देयर सेक्टर्स थ्रू पीपीपी मॉडल। तो देखो, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इंप्रूव हो। एफडीआई की लिमिट 100% तक कर दिया गया है बहुत से एरियाज में। एंड रिजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी बॉटलनेक, जैसे लैंड एक्विजिशन के नियमों को आसान कर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट को कहीं पे लैंड एक्वायर करना है, जैसे मान लो कहीं पे सड़क बनाना है या कहीं पे कोई डेवलपमेंट करना है, जैसे आजकल बहुत सी जगहों पर कोई, से फॉर एग्जांपल हमें किसी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए लैंड एक्विजिशन के नियम को और अच्छा किया गया और कड़ा किया गया है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सके। क्या नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की इन इंडिया? ऑल दो एमसीक्यू के लिए बहुत रिलेवेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी एंटरप्रेन्योर्स के कारण कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है और जल्दी जल्दी हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं। दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बोलिए क्या? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी हर एक जगह का, हर एक एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा इनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि छोटे एरिया के अंदर में भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हो। इट रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अगेन, देयर इज प्रमोटेड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिक पर्पस एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का यही है कि हर एक एरिया का डेवलपमेंट हो। सरकार यही चाहती है कि हर कोई बिजनेसमैन बने, हर कोई कहीं ना कहीं कोई छोटा बिजनेस ही सही लेकिन ओपन करे, ठीक है, इसीलिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को इतना प्रमोट किया जाता है। एंड इनकरेज इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। क्या बॉटलनेक्स है? इनको हम लोग सीधे पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें ये बॉटलनेक्स को ध्यान से समझना, ये बॉटलनेक्स आपसे एक दो बार पूछेगा एमसीक्यूज में कि इसमें से कौन सा एक बॉटलनेक नहीं है, ऐसे करके आता है। तो पहला बॉटलनेक क्या है? इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एंटरप्राइजेस होते हैं, उनकी एक हैबिट होती है टेकिंग एवरीथिंग ऑन देमसेल्फ, दैट इज दे विल डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो उनका सप्लाई चेन बहुत अधिक ऑटोमेटेड नहीं होता है। यानी से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ऑर्डर आया, फिर ऑर्डर की पैकिंग करवा रहे हैं, फिर उसको डिलीवर कर रहे हैं, फिर वो सारी चीज़ें जो है वो एक खुद से फिजिकली कर रहे हैं। एक होता है ऑटोमेटेड चेन, जैसे मान लो आज हम कहें कि फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, इनका ऑटोमेटेड चेन है। अगर ऑर्डर आएगा
तो ऑटोमेटिकली एक बंदा नहीं है हर एक चीज करने के लिए, हर एक चीज का अपना अपना डिपार्टमेंट है। वो ऑर्डर फिर एक रिस्पेक्टिव सप्लायर के पास प्लेस हो जाएगा, फिर वहां से कैसे करके वो उसमें जाएगा, चीन में जाएगा, वो मतलब ऑटोमेटिकली मूव अहेड करते ही जा रहा है। ठीक है, पिज्जा हट पे हमने कॉल किया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑर्डर सामने वाले के पास चला जाएगा, वो पिज्जा बन जाएगा, डिलीवरी वाले के पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। कोई एक बंदा अगर ये सब मैनेज कर रहा होता तो आपको लगता है सप्लाई चेन लंबा हो जाता, लेकिन अब ये सप्लाई चेन छोटा हो गया क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेशन लैक करता है, ये दिक्कत है। देयर इज टू मच नॉइज। टू मच नॉइज का मतलब कई बार स्टार्टअप्स को या नए एंटरप्राइजेस को इतना अधिक सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दिया जाता है कि उनकी हालत वैसे ही हो जाती है जैसा अभी एक हुआ था ना, कौन, बाबा, बाबा का ढाबा। ठीक है, तो अचानक से फेम में आए और उससे फिर इन्फ्लुएंस हो गए, फिर उसके बाद अचानक से डिफेम हो गए। तो ये सब भी एक होता है, इट इज इंक्लूडेड इन द पॉइंट टू मच ऑफ नॉइज। सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग में डिस्ट्रैक्ट द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम देयर एक्चुअल गोल। अब बिजनेस में गैदर लाइमलाइट, हो सकता है फेमस तो हो जाए लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल ना हो पाए। ठीक है, ए स्मॉल या नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क आज भी अधिकतर शहरों में कोई एज सच एंटरप्रेन्योर्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहां पे वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। सॉरी, हालांकि ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि स्टार्टअप्स को, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप्स के साथ इनफैक्ट हम लोग भी खुद जुड़े हुए हैं। तो ये एक स्मॉल या इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देर इज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आई से देर इज अ स्मॉल या नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क। ठीक है, ऐसा कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे कि बिजनेसेस एक साथ बैठे, एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करें, बातचीत करें। हालांकि आजकल ये कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे तुम लोग पहले सुनते होगे, सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स बहुत कम होते हैं, है ना? तो ये बिजनेस ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आजकल तेजी से ग्रो कर रहा है, एंड देर इज ग्रोइंग टू मच टू सून। तो कई बार एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स के अंदर में ये भी एक दिक्कत होती है दैट दे वांट टू ग्रो वेरी फास्ट वेरी सून, तो इस कारण से भी दे फेल। ठीक है, एक साथ बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर उस लोन को रिपे नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, ये कौन सा चैप्टर था अपना? दिस वॉज द चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। क्या ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर था? इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, क्या ये आपको क्लियर है? कोई डाउट इस चैप्टर के अंदर में, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो वाले चैप्टर में कोई सा भी डाउट है क्या? नहीं है? पक्का समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिकअप करेंगे इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको पिकअप करेंगे। एंड एट लास्ट आई विल कम टू द मोर इम्पॉर्टेंट, यानी इसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट होगा, एंड एट लास्ट आई विल कम टू द मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट भी करा देंगे। एट लास्ट आई विल कम टू दीज टू रेलिवेंट चैप्टर्स विच इज नेशनल इनकम एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम से भी भर भर के आते हैं और फॉर्म्स ऑफ मार्केट से भी। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग लास्ट के सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है, पढ़ रहे हो आप लोग अच्छे से? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।